राम राम राम। नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के स्टूडियो में बिहार पुलिस SI के बारे में बात करने वाले हैं। बिहार पुलिस SI अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 26 दिसंबर को बिहार पुलिस SI का पेपर हुआ और देखा गया कि क्वेश्चन पेपर का स्तर काफ़ी कठिन था, घुमावदार क्वेश्चन थे। ऐसे में बात कर रहे हैं कट ऑफ के बारे में, तो उम्मीद की जा रही है कट ऑफ में भारी गिरावट की, तो कट ऑफ में भारी गिरावट होने की संभावना है। वैसे बात करें तो 6 लाख से भी अधिक आवेदन हुए हैं और ऐसे में करीब 6 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना जाहिर की जा रही है, लेकिन फिर भी कट ऑफ में भारी गिरावट होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं बिहार पुलिस SI पेपर के लिए। तो पेपर में 100 क्वेश्चन थे, 200 अंक के थे और निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/5 0.2 निगेटिव मार्किंग था एक क्वेश्चन के गलत होने पर। तो ऐसे में यदि बात करें कि न्यूज़ के अनुसार तो 65 से 68 क्वेश्चन आप लोग के सही होने चाहिए, 65 से 68 क्वेश्चन सही होने चाहिए। लेकिन बात कर लेते हैं कट ऑफ की, तो कट ऑफ के लिए कहें तो 60 क्वेश्चन भी सही हैं। यदि जनरल कैटेगरी की बात करें, जनरल मेल की बात करें, तो 60 क्वेश्चन भी सही हैं, तो उम्मीद जाहिर की जा सकती है होने की संभावना है। और कट ऑफ में भारी गिरावट का मेन कारण है कि क्वेश्चन का जो लेवल है, प्रश्न पत्र का स्तर, वो कठिन था, घुमावदार था। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इसमें परंपरा रही है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसके बाद साइंस और करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, ये सब के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और न्यूज़ के अनुसार यदि बात करें तो इसमें क्वेश्चन समाजशास्त्र और विश्व इतिहास के भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे और इसमें कुछ चेंज देखने को मिला, तो इसीलिए कहा गया है क्वेश्चन पेपर का स्तर कठिन था। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है यदि सभी कैटेगरी के कट ऑफ की बात करें क्वेश्चन के अनुसार, यदि, और आप लोग जानते हैं कि एक क्वेश्चन 2 अंक के होते हैं, तो उस अनुसार से यदि बात करें तो अलग होगा, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार यदि इसमें बात करें तो लगभग, यदि जनरल के अलावे बात कर रहे हैं, जनरल मेल का पहले ही बता दिए हैं इस वीडियो में ही, यदि आपके 60 क्वेश्चन सही हैं तो उम्मीद रख सकते हैं। इसके अलावा बात करें कि जनरल में ही फीमेल की बात करें तो इसमें तो फीमेल का सभी का आप लोग मान कर चलें कि 40 से 45 भी क्वेश्चन सही हो जाते हैं, तो बिल्कुल चांस बनता है फीमेल में। तो अब मेल की ही बात करेंगे, तो मेल में यदि BC मेल की बात करें तो यदि 57 क्वेश्चन या फिर 57 से 60 तक भी सही है तो चांस हैं। उसके बाद EBC की बात करें तो 54 से लेकर 57 तक भी सही है तो चांस हैं। EWS की बात करें तो इसमें भी 56-57 से लेकर 60 तक सही हैं तो चांस हैं। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं SC ST की, तो SC ST में कट ऑफ कम जाता है, तो उम्मीद रखें कि 50 प्लस में भी है, तो उम्मीद जाहिर की जा सकती है, संभावना बनती है। तो ये सब क्वेश्चन सही के बारे में बताए हैं। यदि आप लोग सोचेंगे कि कट ऑफ एक क्वेश्चन 2 अंक के होते हैं, तो आप लोग डबल कर दीजिए। तो यही बात है, जितना कट ऑफ क्वेश्चन के अनुसार बताए हैं उसका आप लोग डबल कर सकते हैं। और नेगेटिव मार्किंग इसमें कम था, 1/5 था, जबकि देखा जाता है यदि बात करें कि रेलवे की, तो उसमें तो नेगेटिव मार्किंग काफ़ी अधिक होते हैं, 1/3 होता है, अर्थात 0.33 इतने कट जाते हैं यदि एक क्वेश्चन गलत होते हैं। या फिर बात करें कि इसमें भी जैसे IBPS की बात करें तो उसमें भी 1/4 रहता है, तो अधिकतर में 1/4 देखा जाता है। और कहीं कहीं यदि BPSC की बात करें तो निगेटिव मार्किंग ही नहीं रहता है, लेकिन उसका क्वेश्चन का लेवल, इसमें भी तो क्वेश्चन का लेवल टफ पूछा गया है, तो उम्मीद रखें कि कट ऑफ कम जाएगा। और बाकी बातें अगले वीडियो में बात करेंगे। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को। तो बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।